हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर लियोनार्ड कुरैशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो होप दोस्तों आप सब लोग सब ठीक होंगे। आज एक नया विषय लेकर मैं आया हूँ और आज का विषय जो है हम एक करियर के बारे में आज थोड़ा बात करेंगे। फ्रेंड्स, करियर के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं पहले, कौन सा कोर्स करें, MBBS है, BAMS है, BHMS है, BUMS है, और उसके साथ ही जो है फार्मेसी है और नर्सिंग है, ANM JNM भी है। दोस्तों आज ये सब कोर्स के बारे में तो हमने बात की है, पर आज एक मैं नए कोर्स के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ और इसका मैंने प्लान किया था। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में। और ये मैनेजमेंट के कोर्स जो है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता फ्रेंड्स। इसको कहते हैं हम MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। बहुत से कोर्सेज हैं MBA के, बिजनेस मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट रहते हैं, और बहुत बहुत अलग अलग जो है मैनेजमेंट के कोर्स हैं फ्रेंड्स। बट हमें एज एन मेडिको, हमें मेडिकल फील्ड में जब हम रहते हैं तो हमें मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर हम एक कोर्स के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। ये कोर्स करने के बाद जो है आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको क्या क्या इससे फ़ायदा हो सकता है ये भी बताऊंगा फ्रेंड्स। बहुत से लोग जो है फ्रेंड्स बहुत बड़े बड़े जो ग्रेजुएशन होते हैं वो बहुत से बड़े बड़े कोर्सेस करते हैं, लेकिन उनको जो है वो कोर्सेस का कभी कभी फ़ायदा नहीं होता है। बट मैं आपको कुछ ऐसे कोर्स बताऊंगा फ्रेंड्स जो कि जो रिकग्नाइज्ड है यूनिवर्सिटी से कोर्स आप करेंगे और जो है उसका जो है आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये जो MBA इन हॉस्पिटल मैनेज या हेल्थ मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है ये 2 साल का कोर्स होता है फ्रेंड्स, और ये PG लेवल का कोर्स है फ्रेंड्स। और ये कोर्स जो है आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मदद करेगा, या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में मदद करेगा, या कोऑर्डिनेटरशिप में मदद करेगा। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में बहुत से जॉब रहते हैं फ्रेंड्स। अगर ये कोर्स आपने किया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, फिर एक और एक कोर्स है फ्रेंड्स मास्टर इन पब्लिक हेल्थ बोलकर एक क्वेश्चन, एक ये होता है कोर्स, तो वो भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कोर्स है, MPH उसे कहते हैं हम। फिर बाद में इसमें और बहुत से जैसे कि MBA इन ह्यूमन रिसोर्स वो भी आप कर सकते हैं, तो इससे भी आपको जो है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में फ़ायदा हो सकता है फ्रेंड्स। हेल्थ का जब आप MBA इन हेल्थ मैनेजमेंट करेंगे या हॉस्पिटल मैनेजमेंट करेंगे तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट लेवल के हॉस्पिटल होते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, वो ऐसे बंदों को रिक्रूट करते हैं जो MBA है और हेल्थ की उनके पास जो है प्राइमरी डिग्री है, तो वो ऐसे बंदों को रिक्रूट कर कर जो है उनको हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी देते हैं। नंबर 1, ये जो है ऐसे जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है, प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात हो गई। लेकिन दोस्तों सब में बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है MBA करने के बाद या मास्टर इन पब्लिक हेल्थ करने के बाद जो है आपको गवर्नमेंट में बहुत से फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट में बहुत से जॉब आपको मिल सकते हैं फ्रेंड्स। ये बात जो है बहुत से लोगों को पता नहीं है। अब गवर्नमेंट में जो है NHM बोलकर जो है नेशनल हेल्थ मिशन, उसमें जो है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक जो है हेल्थ मैनेजमेंट, MBA इन हेल्थ मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेस, या MPH मास्टर पब्लिक हेल्थ के जो भी लोग होते हैं उनको जो है वो हेल्थ के जो सिटी का जो हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट हेड कोऑर्डिनेटर बोलकर उनको अपॉइंट करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट की पूरी जिम्मेदारी जो है इन लोगों के ऊपर होती है फ्रेंड्स। तो ये जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, और इसका पेमेंट स्केल भी अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इसमें 40 से 50 हज़ार के ऊपर आपको पेमेंट होता है। बस आपको जो है पूरे हॉस्पिटल, पूरे डिस्ट्रिक्ट का आपको कोऑर्डिनेटरशिप कर देते हैं, और आपको डिस्ट्रिक्ट का पूरा हेल्थ लेवल का आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है फ्रेंड्स। ये हुआ। फिर MPH या MBA इन हेल्थ मैनेजमेंट करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स रहते हैं गवर्नमेंट के भी, उसमें जो है तालुका लेवल पे जो अलग अलग रूरल हॉस्पिटल्स होते हैं, या फिर ट्रॉमा केयर सेंटर होते हैं, या फिर STH जिसको कहते हैं, वैसे लेवल पे भी आपको मेडिकल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट मिल सकता है। जब एक बंदा MBBS है और उसके पास ये डिग्रीज हैं तो उसको जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट
या जो भी है सिविल मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट उसको मिल सकती है। फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनने के बाद वो बंदा आगे चल के सिविल सर्जन भी बन सकता है, जो MBBS हो या ऐसे बनते हैं। अगर मास्टर पब्लिक हेल्थ करे या MBA करे तो उनको जो है ऐसे जॉब्स वहाँ पे मिल सकते हैं फ्रेंड्स। तो असंख्य प्रकार के जॉब आपको हैं फ्रेंड्स। बेसिक लेवल का अगर आपके पास हेल्थ कोर्स है, BAMS है, BHMS है, BHMS के भी बहुत से लोग जो हैं ये NHM डिपार्टमेंट में लगते हैं। कब, जब एक तो आयुष डिपार्टमेंट के पोस्ट में उनकी एक पोस्ट होती है होम्योपैथिक डॉक्टर एज इन, और हेल्थ कोऑर्डिनेटर बोलकर वो कब लगते हैं फ्रेंड, जब उनके पास MBA इन हेल्थ मैनेजमेंट की डिग्री हो। तो अगर आपको ये बात समझ में आई हो फ्रेंड्स, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को हमारे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक यू।